हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। एसएससी सीएचएसएल 2019 की फाइनल वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं। तो किस कैटेगरी की कितनी वैकेंसीज घटी हैं या बढ़ी हैं उसको देखेंगे। घटी ही है, बढ़ी तो नहीं है। एसएससी वो देखेंगे, पूरी कैटेगरी वाइज देखेंगे और पूरा बताएंगे आपको क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है वो उस वैकेंसीज के घटने का, और किस कैटेगरी पर इम्पैक्ट पड़ सकता है और कितना पड़ सकता है उसके बारे में बात की जाएगी। इसके अलावा एसएससी जीडी की फाइनल आंसर की आउट होगी, उसके बारे में बात करेंगे। तो काफ़ी कुछ जानने सीखने को मिलेगा। इसी आशा के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले छोटी सी सोशल इन्फो, सैडलर्स चौधरी से आपको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों जगह मिल जाएगा। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, आपके एग्जाम रिलेटेड ऐसे जितने भी अपडेट आते हैं शायद फास्टेस्ट आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल होते हैं, तो जुड़ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एसएससी जीडी अभी आपको पता ही होगा, 2-3 दिन पहले अभी उसका रिजल्ट आया है। और जब उसके रिजल्ट में उन्होंने जैसे आया था, उन्होंने बोला था कि जो उनके आंसर की होगी वो जल्दी हम अवेलेबल कराएंगे। 28/3 से आज से शाम को 4 बजे आंसर की अवेलेबल हो गई है। जैसे ही आंसर की आई थी टेलीग्राम पर मैंने डाल दी थी। बाकी आप भी एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हो, वहाँ पर लिंक आपको मिल जाएगा। अपनी जस्ट आईडी में लॉगिन करना, अपनी कैंडिडेट उसमें आईडी में लॉगिन करना और जाकर रिजल्ट वाले सेक्शन पर क्लिक करना, आंसर की सेलेक्ट करना और आपको आ जाएगी। ठीक है, ये आपकी 26 अप्रैल तक शाम 4 बजे तक फाइनल आंसर की अवेलेबल रहेगी। जिनको भी डाउट है उनका स्कोर कहाँ कुछ 19-20 हुआ है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो वो आप देख सकते हैं आपका फाइनल आंसर की और नॉर्मलाइजेशन वगैरह के हिसाब से आप देख लीजिए। वैसे आपका एसएससी जीडी में इस बार काफ़ी कम कट ऑफ गया है हर कैटेगरी का, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी ने तो धुआं उड़ा कर रख दिया। उसके बारे में लेके जल्दी एक वीडियो आऊँगा, पूरी बात करेंगे। बाकी 25 तारीख को रिजल्ट आया था और ये अब आपके आगे, बाकी मार्क्स भी जल्दी आपके डिक्लेयर किए जाएंगे। ठीक है, और कुछ कैंडिडेट फिजिकल का पूछ रहे हैं, इसके बारे में जल्दी जानकारी लेके आपको अपडेट दूंगा कि फिजिकल कब तक आपके हो सकते हैं PET PST। बाकी ये है कि कुछ कैंडिडेट का ये भी आया कि SSF का जो है उसके बारे में बता दो क्या है और कैसी पोस्ट है, तो ज़रूर इसके बारे में जल्दी एक अपडेट लेके आऊँगा इसकी जॉब प्रोफाइल का। SSF में क्या जॉब प्रोफाइल है, क्या आपको काम करना होता है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो फिलहाल आज इसके आंसर की आ गई है फाइनल आंसर की, आप जाके देख सकते हैं। बाकी लिंक आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा। बाकी आती है बात दूसरी एसएससी सीएचएसएल 2019 की। इसमें फाइनल वैकेंसीज जो है वो डिक्लेयर कर दी। जैसे आपको पता है अभी डीवी वगैरह चल रहा है, डीवी के वगैरह बाद जल्दी आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। लग तो ऐसा रहा है कि सीजीएल 19 से पहले इसका फाइनल रिजल्ट आएगा, और सीजीएल 19 का फाइनल रिजल्ट ना आने का नुकसान क्या होता है वो आज आपको समझ में आएगा। एक तो सारे सीजीएल 19 का जो रिजल्ट नहीं आया उसके साथ जितने भी कैंडिडेट जो सीएचएसएल 19 में बैठे हुए थे वो सब के सब डीवी में गए, सभी के सभी मोस्टली कैंडिडेट डीवी में गए, क्योंकि भाई अनसर्टेनिटी रहती है, कुछ पता नहीं रहता तो ज़्यादातर कैंडिडेट जाते हैं। तो बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट उससे ऑलरेडी पड़ चुका था, अब दूसरा वैकेंसीज घटा के इसको और बर्बाद कर दिया सीएचएसएल 2019 को। आप टोटल वैकेंसीज ये देख सकते हैं यहाँ पर, एलडीसी की वैकेंसीज दे रखी है हर एक अलग अलग, चाहे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स हो या अलग अलग मिनिस्ट्रीज हो उनकी, UR SC ST OBC और EWS की एक सेक्शन दे रखे हैं, पूरे आप देख सकते हैं। ये जैसे ही आए थे मैंने टेलीग्राम पर ये भी डाल दिए थे। ठीक है, बाकी टोटल वैकेंसीज LDC की ये 1270 हैं, और इसमें UR EWS OBC और इन सब की आप यहाँ पर देख सकते हैं, और टोटल PSA की जो पहले थी वही हैं, और बाकी जो भी आई थी वो पूरा मैंने उस पर डाल ही दिया था। और इसमें जो टोटल अब फाइनल वैकेंसीज हो रही हैं 4684 हो रही हैं, पहले 4700 कुछ थे। ठीक है, जिसमें UR की 2296 है, और ऐसे आप देख लेंगे OBC EWS SC ST की। ठीक है, तो ये टोटल आपकी वैकेंसीज हो रही हैं अब, और ये है फाइनल वैकेंसीज। अब तक टेंटेटिव वैकेंसीज, ठीक है, फाइनल वैकेंसीज डिक्लेयर हो चुकी हैं। अब इसमें जो डिफरेंस वाली बात है कि डिफरेंस क्या है कि देखो, पहले जो फाइनल वैकेंसीज टेंटेटिव वैकेंसीज थी तो 4755 थी, जिसमें UR की 2330 थी, SC की 632, ST की 317, EWS की 470, OBC की 1002। अब जो आया है फाइनल वैकेंसीज उसमें 4684, 71 वैकेंसीज जो है वो घट गई हैं, 71 वैकेंसीज। अब जो कैंडिडेट, ये 71 कैंडिडेट वो है होने वाले हैं भाई जो अब तक जॉब पा जाते, जो DB दे के आए हैं, और उनकी अगर यही वैकेंसीज रहती तो जॉब पा जाते, अब नहीं पा पाएंगे। तो ये 71 परिवारों का हो गया नुकसान, बहुत भारी नुकसान। तो आप देख सकते हैं UR में -34 हुई हैं, OBC में 20 घटी हैं, EWS में 5 घटी हैं, SC में 1 घटी है, ST में 11 घटी हैं, और एक्स सर्विसमैन की 7 घटी हैं। तो ये टोटल वैकेंसीज हैं, और इन सब की इतनी इतनी वैकेंसीज घटी हैं, टोटल 71 वैकेंसीज घटी।
सबसे ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट होगा इस पे यूआर कैटेगरी पे। अब यूआर तो एकदम से बर्बाद होने वाला है, मैं किसी को डिस्करेज नहीं करना चाहता, बट फैक्ट ये है कि एक तो यूआर पे सारे कैटेगरी के भी कुछ कैंडिडेट सिलेक्शन लेते हैं, ठीक है। ऊपर से अब 40% वैकेंसीज रहेंगे, 10% ईडब्ल्यूएस का और हो गया, 40% वैकेंसी रहेंगी। ईडब्ल्यूएस वाले भी यूआर पर ले रहे हैं, ओबीसी भी, एससी भी, एसटी भी, वो तो ले ही रहे हैं। ऊपर से सीजीएल 19 का रिजल्ट दे देते हैं तो सीजीएल 19 वाले कैंडिडेट सीएचएसएल में नहीं जाते, बट वो भी कोर्ट केस और उस सब की वजह से फंसा पड़ा है, तो उसका नुकसान ये भी। और ऊपर से अब यहाँ पर वैकेंसीज 34 वैकेंसीज, और ये घटाने का मतलब है कि इतने 34 वैकेंसीज में कितने ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी के कैंडिडेट थे तो हो जाते, तो उतने 34 कैंडिडेट ज़्यादा शायद मिलते यूआर को, काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, फैक्ट यही है। तो ये है कि यूआर की जो कट ऑफ प्रोडिक्शन जितनी भी आज तक तो चली, हालांकि मैंने भी डाली है और मैं कोशिश करूँगा बटन पर प्रोवाइड करा दूँ, अभी भी मैं उस कट ऑफ प्रोडिक्शन से जो मैंने करी हुई है उसे दो दो नंबर बाई 2 से 3 नंबर बढ़ा लेना, जो मैंने लास्ट कट ऑफ प्रोडिक्शन की है यूआर में, यूआर की मैं कह रहा हूँ। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इनका तो एक आधा नंबर का फ़र्क आएगा जो बताई हुई है, बाकी यही है कि फ़र्क तो आएगा और नेगेटिव इम्पैक्ट यूआर पर ही पड़ता है, ऐसे वैकेंसीज घटती हो या कुछ भी हो, क्योंकि फैक्ट यही है कि रिजर्व कैटेगरी वाले जो होते हैं वो भी काफ़ी कैंडिडेट यूआर में सिलेक्शन लेते हैं। तो अब देखना है, और जल्दी आपका फाइनल रिजल्ट आए, आपके में कोई कोर्ट केस वगैरह ना हो, आपके में लफड़े ना हो, और बहुत से सीजीएल वाले भी जाएंगे वो आपके में, ये एक मतलब बहुत सैड बात है बट सच्चाई है। तो यही है दोस्तों, सीएचएसएल 19 के साथ तो शुरू से ही गलत होता आ रहा और अभी तक गलत ही हो रहा है, सच्चा यही है, दुख होता है बट अब यही है भाई। कट ऑफ प्रोडक्शन वगैरह आपने देख ही लिए, और अब जब जल्दी कुछ दिनों में आपका रिजल्ट आ जाएगा, जिनका भी अच्छे मार्क्स हैं उनको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। आपको कोई जो कुछ भी कुछ सजेशन चाहिए, कुछ हेल्प चाहिए, कुछ जो कुछ भी अपना कुछ कहना है जानना है, कमेंट सेक्शन है, बाकी आपको कनेक्ट करने के लिए कई मीडियम दिए हुए हैं, तो यही था। बाकी कुछ आपके डाउट क्वेरी रह रखी हो, कुछ सजेशन हो, ईमेल, जीमेल, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम किसी के थ्रू कनेक्ट करके ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में फिर इतना ही था दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्दी मुलाकात होगी, तो टाटा बाय बाय, जय हिंद।